हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। हे गाइस, आप लोगों का नोटिफिकेशन आ गया है काउंसलिंग का। आप लोगों का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ गया है, तो उस नोटिफिकेशन को आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे क्या पूरा का पूरा प्रोसेस ड्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये 15% ऑल इंडिया कोटा का डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ESICFMS का सारा ये आपका लिस्ट है, तो एकदम आराम से समझना, पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में है कि विल डू काउंसलिंग फॉर विच कॉलेजेस यूनिवर्सिटी, MCC और DGS। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए सिर्फ करेंगे, ठीक है। उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU आएगा, और इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल डोमिसाइल कोटा, ESIC और FMS। और कौन एलिजिबल है 15% के लिए, तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 134 और 94, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो जिन्होंने पार कर लिया है, तुम भी, ठीक है। तो समझ में आ गया कौन क्वालिफाई है और कौन कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है सारा कुछ आपका CBSE एक्सेप्ट, हाँ, जम्मू एंड कश्मीर का अलग होगा। आप लोगों को मालूम है कि जम्मू एंड कश्मीर में आप लोग एलिजिबल नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट को छोड़ के। वहाँ का काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट है, जो कि मैंने पहले ही कह दिया था आपको, आज दिन में एक वीडियो अपलोड किया था। चॉइसेस कितना फिल कर सकते हैं, तो जितना आप लोगों की मर्जी है उतना फिल कर सकते हैं। हु आर एलिजिबल फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी, जितना क्वालिफाई किए हैं सारे के सारे एलिजिबल हैं। हु आर एलिजिबल फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, VHU और फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, ठीक है। तो इसके लिए आपका सारा दिया हुआ है। जो दिल्ली से निकले हैं वो 85% 85% कोटा के लिए रहेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बाकी हम लोग मतलब जितने भी ऑल ओवर इंडिया से, वो 50%। उसी तरह से हर एक जगह का अपना अपना है, वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 50% इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन होगा कैंडिडेट के लिए जो कि उसी स्कूल से लास्ट 3 साल पढ़े हैं, ठीक ना। BHU का भी वही बात है, और हम लोगों का डेंटिस्ट्री, जामिया मिलिया इस्लामिया का भी। तो चलिए मेन हम लोग देखते हैं कि मेन चीज़ है क्या चीज़ काउंसलिंग का। मेन चीज़ याद रखिएगा, हम लोगों को काउंसलिंग कैसे करना है। काउंसलिंग हम लोगों को पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे कैसे प्रोसीड्यूर है। पहले याद रखना कि आप लोगों को 10,000 रुपया जमा करना पड़ेगा फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एंड फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 2,00,000 रुपया जमा करना पड़ेगा, ठीक है। किसको किसको, SC ST and OBC, ठीक है। SC ST and OBC को आप लोगों को 2,00,000 फॉर डीम्ड एंड गवर्नमेंट के लिए, सॉरी जनरल को गवर्नमेंट के लिए 10,00,000 और डीम्ड के लिए 2,00,000, और ST SC और OBC को 5,000 फॉर गवर्नमेंट के लिए जमा करना पड़ेगा। साफ साफ लिखा है हाफ फॉर ST SC and OBC, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का स्टेट कोटा होगा। स्टेट कोटा हो जाने के बाद, स्टेट कोटा का अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग फिर से दोबारा कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा, फिर से वही पैसा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। वही पैसा लगेगा, प्राइवेट के लिए आप लोगों का 1,00,000 हो जाएगा फॉर SC ST and OBC। क्लियर है, बात समझ में आ गया आप लोगों को, पैसा क्या लगेगा क्या नहीं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बाकी जो क्वेश्चन दिया हुआ कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, वो मैंने एक ही बार में आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग शेड्यूल देखते हैं, मतलब स्कीम देखते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो देखो, ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग HTTP आपको लिंक दिख रहा होगा, MCC.NIC.IN पे जाना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ फीस है रजिस्ट्रेशन एंड ट्यूशन फीस, सबमिशन ऑफ चॉइस का सबमिशन करना है, सारा मैं डेट बता दूंगा, डेट कब कब है कब कब नहीं है, ठीक है। फिर फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट राउंड होने के बाद आपका राउंड 1 सीट एलोटेड हो जाता है, तब क्या करना है, तब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, नहीं तो पैसा यहाँ पर आप लोगों को चला जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिस्ट कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन सेकंड राउंड, एलिजिबिलिटी मेंशन्ड इन FAQs आप लोगों को लिखा हुआ। देखो फर्स्ट राउंड में करना क्या है कि आप लोगों को मान लो मनपसंद सीट नहीं मिला, तो मनपसंद सीट नहीं मिला तो उसे बुक करके छोड़ देना है, ठीक है। और आप लोगों को इम्प्रूवमेंट का फॉर्म मिलेगा, इम्प्रूवमेंट भर करके छोड़ देना है कि इम्प्रूवमेंट होने दीजिए पर ये सीट आपका बुक हो जाएगा, ठीक है, वो कर सकते हैं। और नहीं तो आप लोग सीधे का सीधे नो बोल सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें आपका जो पैसा है वो रिफ़ंड आ जाएगा अगर नो बोलते हैं तो, और अगर नहीं मिलता है तो भी रिफ़ंड आ जाएगा, ठीक है। आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं भी मिलता है और आप मना कर देते हैं तो भी आपको पैसा रिफ़ंड आ जाएगा। पर अगर सेकेंड राउंड में अगर आप लोग नो नहीं बोलते हैं, सेकेंड राउंड में आप लोग नो बोलने का मौका ही नहीं देगा, ठीक ना। वहाँ पर अगर आप लोग भरते हैं और कॉलेज मिलता है और कॉलेज में जा करके आप लोग नो करते हैं तो आप लोगों का जो भी प्राइवेट कॉलेज का पैसा है 2 लाख वो चला जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज का 10,000 रुपया है वो चला जाएगा। सेकेंड राउंड में आप लोग नो नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए कॉलेज सेकेंड राउंड में सोच समझ करके भरिएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर वो अपने से बोलता है कि आपको कॉलेज नहीं मिला है तो वो पैसा रिफ़ंड हो जाएगा, पर अगर आपको कॉलेज वो देता है और आप लोग जा करके वहाँ पर बोल दीजिएगा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप लोगों का पैसा रिफ़ंड नहीं आएगा, सिंपल बात है, ठीक है, समझ में आ गया। यही है सारा कुछ, मैंने शॉर्टकट में समझा दिया आप लोगों को, ठीक है। और नया रजिस्ट्रेशन पहला राउंड के लिए नया रजिस्ट्रेशन, सेकेंड राउंड के लिए भी नया रजिस्ट्रेशन होगा, जैसा पहला राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ था उसी तरीका से सेकेंड राउंड का भी रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। फिर ये प्रोसेस दिया हुआ है, ये सारा प्रोसेस दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक ना। ये सारा प्रोसेस दिया हुआ है, मैंने आपको ईजिली शॉर्टकट में समझा दिया। अब हम लोग शेड्यूल देख लेते हैं, शेड्यूल थोड़ा ध्यान से देखो। शेड्यूल में आप लोगों को देखो 19 to 24 जून 5 बजे शाम तक 24 जून का आप लोगों का सर्वर मतलब रहेगा, मतलब वो आपका रजिस्ट्रेशन का होगा और चॉइस फिलिंग का होगा, पेमेंट रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 24 तारीख लास्ट होगा, और चॉइस को लॉक करना है 25 तारीख को रात 10 बजे तक, सॉरी रात नहीं शाम 5 बजे तक, दिन का 10 बजे से शाम 5 बजे तक वही लास्ट आपका डेट है, तो डेट को थोड़ा ध्यान रखना। सीट अलॉटमेंट होगा 26 जून को, रिजल्ट आएगा 27 को, रिपोर्टिंग हो जाएगा 28 को, कुछ दिन मिलेगा आपको, 6 दिन मिलेगा टोटल रिपोर्टिंग के लिए, क्लियर है। सेकेंड राउंड होगा, सेकेंड राउंड 6 जुलाई से 8 जुलाई तक होगा 5 बजे शाम तक, पेमेंट आपको उसी तरह जैसे फर्स्ट राउंड में फिल किए थे उसी तरह पेमेंट आपको डालना है 12 बजे दोपहर का, ठीक है, 9 जुलाई तक लास्ट डेट है, ठीक ना। चॉइस फिलिंग 9 जुलाई ही है शाम को 5 बजे तक, फिर 10 जुलाई को आपको सीट अलॉटमेंट होगा, रिजल्ट आएगा 12 जुलाई को, और 13 जुलाई से आपका रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा 9 दिन का। ट्रांसफ़र ऑफ नॉन रिपोर्टिंग एंड नॉन जॉइनिंग वैकेंट सीट टू स्टेट कोटा, जितना भी वैकेंट सीट होगा मतलब आपको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा में जो स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिलता और जो स्टूडेंट नहीं लेते तो उनका सीट वैकेंट चल जाता, वो सारा का सारा सीट उठ करके अपने अपने स्टेट कोटा में चला जाएगा, और वो 85% स्टेट कोटा का होगा। फिर होगा लास्ट एंड फाइनल राउंड मॉपअप राउंड फॉर सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी और ESIC ओनली, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल के लिए होगा, डीम्ड के लिए होगा, ESIC के लिए होगा। सेंट्रल मतलब BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इस्लामिया मालिया कुछ करके था वो वाला, ठीक ना, वो यूनिवर्सिटी, ठीक है, ना कि ऑल इंडिया कोटा में पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज, नहीं, सिर्फ और सिर्फ BHU होगा, मॉपअप राउंड में BHU होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होंगे और इस्लामिया वाले कॉलेज होंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी ESIC ओनली, ठीक है, जो कि 13 अगस्त को होगा। 13 से 15 अगस्त तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है, 16 अगस्त को चॉइस फिलिंग है, ठीक है, 17 अगस्त को प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, 18 अगस्त को आप लोगों का रिजल्ट है, रिपोर्टिंग है 20 अगस्त को, क्लियर है, समझ में आ गया। ये सारा आपका शेड्यूल हो गया पूरा का पूरा, और शॉर्टकट में मैंने बता दिया यही आप लोगों का टोटल फंडा, ठीक है। और सोचना पैसा डालने समय, रजिस्ट्रेशन डालने समय, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, फर्स्ट काउंसलिंग में अगर मिलता है तो प्लीज़ उसे बुक करके छोड़ दीजिए, कहने का मतलब है कि उसे इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर करके छोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि ना बोल दीजिए, इम्प्रूवमेंट बोल करके छोड़ दीजिए, फिर सेकेंड राउंड में देखिए इम्प्रूवमेंट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो चुपचाप सीट ले लेना है, मेडिकल कॉलेज से मतलब नहीं है, मेडिकल सीट से मतलब होता है, ठीक है। और अगर सेकेंड राउंड में आप लोग कुछ भरते हैं तो प्लीज़ प्राइवेट कॉलेज सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि अगर प्राइवेट कॉलेज भर देते हैं और आप एफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो सारा का सारा पैसा चला जाएगा, या गवर्नमेंट कॉलेज भी भर देते हैं और वो मिलने वाला है नहीं और अंधाधुन भर दिए, मान लो जैसे नंबर है 545 और BHU भर दिए, मिलने वाला है नहीं, BHU 545 में 10,000 रुपया जनरल कैटेगरी
कैटेगरी का जाएगा और 5,000 रुपया आप लोगों का एससी एसटी एंड ओबीसी का चला जाएगा, पैसा रिफंड नहीं होगा। ये पहला इंपॉर्टेंट बात है, पैसा वाला जो बात है वो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा काउंसलिंग का प्रोसीड्यूर हो गया शॉर्टकट में, इतना जल्दी कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। तो आराम से करना काउंसलिंग, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी कुछ भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। काउंसलिंग अच्छा से कीजिए और शेयर कीजिएगा, क्योंकि पैसा वाला इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया है, बहुत स्टूडेंट को मालूम नहीं होता, तो वो चीज़ ज़रूर, जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें मालूम नहीं होता, तो वो चीज़ ज़रूर बताइएगा अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। थैंक्स।